नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में गोलीबारी, दो की मौत। अमेरिका में लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में गोलीबारी की घटना में दो लोगों की मौत हो गई। लॉस एंजलिस पुलिस प्रमुख चार्ली बैक ने बताया कि विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय के निकट एक व्यक्ति ने दूसरे की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। पुलिस ने घटनास्थल से बंदूक बरामद की है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई बाहरी संदिग्ध नहीं है और विश्वविद्यालय परिसर में किसी तरह की खतरे की बात नहीं है। पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट भी मिला है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश अनस्टन ने कहा कि राष्ट्रपति बराक ओबामा इस घटना पर लगातार रखे हुए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अन्य संभावित खतरों को देखते हुए परिसर को बंद करने का आदेश दिया है। आतंकियों ने दी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। गुजरात के आणंद जिले में सारसा स्थित सत कहवाल मंदिर के प्रधान पुजारी अवचिल दास महाराज के दो पत्र मिले, जिनमें उनसे जान से मार डालने की और मंदिर को विस्फोट से उड़ा देने की धमकी दी गई है। पत्र भेजने वालों ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सदस्य होने का दावा किया है। स्थानीय पुलिस ने बताया कि पत्र हिंदी और गुजराती में लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि वह बाबरी मस्जिद विध्वंस और गोधरा दंगों का बदला लेने के लिए मंदिर को उड़ा देंगे और अवचिल दास जी को मार डालेंगे। पत्र में कहा गया है कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती और तो और मोदी भी आपको नहीं बचा सकते हैं। ओडिशा में बिजली गिरी, 14 की मौत। ओडिशा में विभिन्न स्थानों पर बुधवार को बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य लोग घायल हो गए। सूत्रों ने बताया कि बिजली गिरने के कारण भुवनेश्वर में 4 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य झुलस गए। इसी तरह केंद्रपारा में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य झुलस गए। बिजली गिरने के कारण भद्रक, गंजम और मयूरभंज जिले में 2-2 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार सुंदरपदा जटनी रोड के पास पंचा गांव में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग झुलस गए, जबकि धौली के नजदीक बिजली गिरने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई।